उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नमस्कार, सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट एवेटेड फिल्मों में से एक राजा साहब को लेकर के प्रभास इन दिनों जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में राजा साहब के मेकर्स ने प्रभास के जन्मदिन से पहले फिल्म राजा साहब के पोस्टर्स का खुलासा किया है, जिसमें सुपरस्टार की इस फिल्म के रिलीज डेट को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल 2025 को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को तेलुगु सहित तमिल, कन्नड़, हिंदी एंड मलयालम लैंग्वेज में सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है। फिल्म के रिलीज डेट को देखते ही फिल्म को लेकर के जबरदस्त का बज बन चुका है। फिल्म को लेकर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। फिल्म में सुपरस्टार प्रभास के अलावा मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और ऋषि कुमार जैसे कलाकार मुख्य रोल में नजर आ रहे हैं। तो वहीं फिल्म में सपोर्टिंग रोल में वरलक्ष्मी, शरद कुमार, जीसू सेन गुप्ता, परमानंदन दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा 25 अक्टूबर को कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट भी आने वाला है। फिलहाल फिल्म राजा साहब को लेकर के जबरदस्त का क्रेज बन चुका है। फिलहाल फिल्म राजा साहब को लेकर के फैंस में जबरदस्त का उत्साह बढ़ चुका है। फिल्म कल्कि 2898 AD के बाद प्रभास की इस फिल्म को लेकर के आप सब कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जूनियर NTR की साल 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की पैन इंडिया ड्रामा फिल्म देवरा पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26 के बारे में। दोस्तों बता दूं कि फिल्म देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज हुए सिनेमाघरों में 26 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि फिल्म एक पैन इंडिया रिलीज फिल्म थी, जिसको तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया था। फिल्म जैसे ही रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में धूम मचा रही थी। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 172 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग लेने के बाद फिल्म के 26 डेज तक कलेक्शन अनस्टॉपेबल नजर आए हैं। फिल्म के डे 26 कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म का 26 डे के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.45 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 26 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 541.45 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 245 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। तो फिल्म का हिंदी वर्जन से 71.30 करोड़ की नेट कमाई कर धमाकेदार कमाई कर चुकी है। फिल्म देवरा पार्ट 1 के बजट की बात करें तो फिल्म देवरा पार्ट 1 को ओवरऑल 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर 300 करोड़ के मुकाबले फिल्म वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिल्म देवरा पार्ट 1 की बात करें तो फिल्म के पहले पार्ट में जबरदस्त का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। फिल्म में जबरदस्त का ट्विस्ट भी है। दोस्तों, फिल्म के पहले पार्ट ने जबरदस्त का हाइप क्रिएट किया है। फिल्म के दूसरे पार्ट को भी फिलहाल बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म देवरा पार्ट 1 दोस्तों अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप एक जूनियर NTR की साल 2024 की एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर हैं। वीकेंड डेज में फिल्म देवरा पार्ट 1 को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म वेडियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 के बारे में। देखते देखते फिल्म वेडियन सिनेमाघरों में 13 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म को 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां फिल्म ने पहले दिन 78 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग कर शुरुआत की। तो वही दोस्तों, फिल्म के 13 डेज तक कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का 13 डेज तक आते आते कलेक्शन करने के मामले में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बात करें फिल्म के डे 13 कलेक्शन की तो फिल्म वेडियन ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 13 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 384.28 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। तो फिल्म का तमिलनाडु स्टेट से 145 करोड़ ग्रॉस, तो फिल्म का हिंदी वर्जन से 5.50 करोड़ की नेट कमाई हुई है। दोस्तों बता दो कि फिल्म वेडियन फिलहाल हिंदी वर्जन में काफी ज्यादा ऑडियंस को तरसती हुई नजर आई है, लेकिन फिल्म वर्ल्ड वाइड और तमिलनाडु के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रही है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म वेडियन को 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। दोस्तों फिल्म वेडियन की बात करें तो फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा अमिताभ बच्चन भी नजर आ रहे हैं, तो साथ ही फहद फासिल, राणा दुगुपति और मंजू वारियर जैसे कलाकार भी नजर आए हैं। फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मलयालम लैंग्वेज की साल 2024 की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म बोगेनविला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म बोगेनविला के कलेक्शन की तो फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म ने जहां अपने फर्स्ट वीकेंड शुरुआती 4 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 29 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर बंपर कलेक्शन कर चुकी थी, तो वहीं फिल्म के आज डे 6 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म बोगेनविला
ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 6 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 35 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। तो फिल्म का अपने स्टेट केरला के बॉक्स ऑफिस से 19.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने में कामयाब हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म बोगेनविला को 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट को मिलाकर 20 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए 50 करोड़ के बेहद करीब पहुंचने वाली है। फिल्म बोगेनविला में फहद फासिल और कोंचाको बोवन लीड रोल में नजर आए हैं। फिल्म को दोस्तों पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो वीकेंड डेज में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विकी विद्या के वो वाला वीडियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों फिल्म विकी विद्या के वो वाला वीडियो के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म सिनेमाघरों में 12 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म के 12 डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के अंदर करीब 1 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 12 डेज तक 35.75 करोड़ की नेट कमाई कर ली है। तो फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म फिलहाल बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म विकी और विद्या के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों एक शादीशुदा कपल है। जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती है। विकी विद्या की शादी के बाद उनका हनीमून प्लान का वो वाला वीडियो सीडी चोरी हो जाती है, जिसको ढूंढने का सफर चालू होता है, जिसको ढूंढने के लिए फिल्म में मजेदार कॉमेडी देखने को मिलती है। फिल्म में दोस्तों कॉमेडी आप सभी को सीट से बांधे रखेगी। फिल्म में राजकुमार राव दमदार नजर आए हैं। फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, अडल्ट कंटेंट नहीं है। फिल्म को दोस्तों अगर आप वीकेंड में देखने की सोच रहे हैं तो फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो को वीकेंड डेज में जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म जिगरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के सिनेमाघरों में 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म के 12 डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म जिगरा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 12 के अंदर 90 लाख की कमाई कर टोटल 12 डेज तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से करीब 30.40 करोड़ की नेट कमाई कर ली है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। दोस्तों फिल्म जिगरा फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर विकी विद्या का वो वाला वीडियो से जबरदस्त क्लैश हो रही है। फिल्म जिगरा की बात करें तो फिल्म जिगरा भाई बहन की कहानी है, जहां आलिया भट्ट शानदार नजर आई है। फिल्म में आलिया भट्ट ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए भी नजर आई है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हो रही है। दोस्तों फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म भाई बहन के ऊपर आधारित है, जहाँ आलिया भट्ट सत्या के किरदार में नजर आई है, जो की अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिल्म जिगरा को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद है तो लाइक करेगा, लाइक कर एक सब्सक्राइब जरूर करेगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे ही इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।